वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज IBPS RRB PO का रिजल्ट आ गया और इसमें जो स्कोर कार्ड है वो उन्होंने आज शो करके दिखाया है। तो मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज कट ऑफ जो है किस किस स्टेट में क्या रही, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो केवल 0.25 मार्क्स से मेंस में रह गए। तो मैं ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है और जनरल कैटेगरी जो 16 को एग्जाम हुआ था उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लें कि रीजनिंग में 40 जो है क्वेश्चंस थे, और जो क्वांट है इसमें भी 40 नंबर का पेपर था ये, और टोटल 80 नंबर का पेपर था, जिसमें से दोस्तों 8.25 जो है ये रीजनिंग की कट ऑफ रखी गई और क्वांट के लिए 7 मार्क्स रखे गए। लेकिन जो आपको ओवरऑल कट ऑफ है वो रखी गई 50.25। तो यहाँ पर इस कैंडिडेट ने दोनों में जो है अच्छा स्कोर किया, लेकिन यहाँ पर 50 पॉइंट मार्क्स आए, तो केवल 0.25 मार्क्स से ये स्टूडेंट्स फेल हो गया, नहीं तो इसकी मेंस में दोस्तों एंट्री हो जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा यही कहना है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर सेलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मैटर करता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैंने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100% एक्यूरेसी थी और मेरा मार्क्स जो है 45.75 जो है ये स्कोर आया। तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों वो लोग पजल में अटक गए, या फिर उन्होंने वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जिसमें उनको टाइम ज़्यादा लग गया। तो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, सेलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इसी से आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि कभी भी जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उन क्वेश्चंस को बनाएं जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हों। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंट स्टेट हैं, जैसे कर्नाटका है, यहाँ पर 41.75 ये कट ऑफ रखी गई, और उसके आगे अगर बात करें तमिलनाडु तो यहाँ पर 42 है, और तेलंगाना जो है इसमें 45.5 है, और अगर बिहार की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 52.25, और हिमाचल प्रदेश की भी 52.25 है। अभी ये कुछ ही कट ऑफ आई हैं, बहुत लोग अभी कमेंट भी बाकी नीचे करेंगे तो उनसे आप देख सकते हैं कि उनके स्टेट की कट ऑफ क्या क्या रही है। उत्तराखंड में दोस्तों और हरियाणा में 55 रही है, उत्तराखंड में 56 है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मेरा एक यही सजेशन आपके लिए होगा कि अब आपका एक तो IBPS PO का प्रिलिम्स बचा हुआ है, या फिर जिन लोगों का हो भी चुका है तो वो लोग बिल्कुल निराश मत हो, होप्स हो वहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा और आप लोग मेंस के लिए तैयारी करते रहें। नहीं तो दोस्तों एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये रहेगी IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए। तो क्लर्क का प्रिलिम्स होने में भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, दिसंबर में होगा, तो आप 2 महीने बहुत अच्छी तैयारी करें, अपने जो आपके ड्रॉबैक हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लें, अपने नोट्स जो है वो रिवाइज कर लें, तो कहीं ना कहीं पर आपको वहाँ पर मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आजकल आप ये देख सकते हैं 0.25 से है स्टूडेंट्स फेल हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक एक मार्क्स जो है उसका छोटा छोटा पार्ट, या फिर एक क्वेश्चन गलत भी आप करके आ गए तब भी वहां पर मैटर कर जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि हमें पॉजिटिव स्कोर वहां पर लाना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें ये देखना है कि हमारे अच्छे स्कोर, अच्छे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व हो पाए। ओके, तो अभी बिल्कुल आप हार मत मानो, जो लोगों का रिजल्ट कम आया है, जो बिल्कुल क्लोज्ड हैं पास होने से, तो वो लोग आई होप IBPS क्लर्क और PO में अच्छा जो है परफॉर्म जरूर करेंगे, और मेरी ही शुभकामनाएं दोस्तों आपके साथ हैं। तो आप लोगों ने जैसा स्टेट देख लिया, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपका जो है इस आप तक रिजल्ट देख चुके हैं स्टेट वाइज, आप अपने कमेंट जरूर करें कि आपके स्टेट में दोस्तों क्या कट ऑफ यहाँ पर रही है। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सेशंस होते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अगली बार एग्जाम देंगे या फिर जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।